खाने की चाहत में खुश आमदी। आज मैं बना रही हूँ पालक आलू। उसके लिए मैंने एक गड्डी पालक लिया हुआ है और एक आलू, तो इसे मैं काटूंगी अभी। ये डंडियाँ फेंक दूंगी, ये देख सकते हैं ये डंडियाँ हैं, ये फेंक दूंगी। बस पत्ते इसके रखूंगी और बारीक बारीक काटना है मुझे, तो ये काट के पहले काटूंगी, उसके बाद मुझे धोना है, फिर मैं आपको बताती हूँ काट के। देख सकते हैं ये पालक मैंने धो के काट के 6 से 3-4 पानी में धोया है मैंने इसे, और काट के रख लिया है। आलू है, आलू को भी काट लिया, और ये प्याज है, और इसमें मैं टमाटर भी डालूंगी, कुटी हुई मिर्च, वो डालते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले मैं क्या करूंगी कि मैं पालक को अलग से बॉईल करूंगी। ये देखिए मैंने पालक को चढ़ा दिया है पतीले में। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। मैं पतीला चढ़ा दिया है मैंने, अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी, 1st डालना है इसमें, इसको लाइट ब्राउन करना है। प्याज को लाइट ब्राउन कर रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो गई है प्याज मेरी। अब मैं इसमें आलू डालूंगी, कुटी मिर्च, हसबे जायका नमक, और आलू को मैं थोड़ा हल्का ब्राउन करूंगी प्याज के साथ। एक तरफ मैंने पालक चढ़ा दिया है, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है मेरा आलू। अब मैं इस वक्त डालूंगी टमाटर। टमाटर को नरम होते तक मैं पकने दूंगी, इसको हल्की आंच में करके रख दूंगी। पालक जो कि मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया था अलग, 10 मिनट तकरीबन हो चुका है, तो मैं इसको इस चम्मच से ऐसे करके मसल दूंगी। इसको थोड़ा सा ग्राइंड नहीं करूंगी मैं, इसको ऐसा कुचल दूंगी मैं। ये देख सकते हैं मैंने पालक को इस तरह कुचल के रख दिया है, ग्राइंडर नहीं किया है मैंने, ग्राइंड नहीं किया इसे। बस ये एक गड्डी प्याज, ये एक गड्डी पालक है ये, और ये इतनी सी हो गई है। ये बंद कर दिया मैंने चूल्हा। अच्छा टमाटर मेरी गल चुका है, टमाटर ये देख सकते हैं टमाटर गल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक, इसको मिक्स करते हैं। अच्छा आलू मेरे अभी गले नहीं हैं वैसे, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्की आंच में रख दूंगी। 1 कप पानी डाल दिया मैंने इसमें, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए पक चुका है मेरा, मैंने पानी 1 कप डाल के आलू पकने के लिए रख दिया था इसमें, और आलू पक गए हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ, देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू पालक बना है मेरा, बहुत टेस्टी वाला, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलें डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार पालक आलू पालक, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ज़्यादा मेरे तरकीब से बनाइएगा आप लोग, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और मेरा रेसिपी अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।